फ्रेंड्स, इस इफेक्टिव होममेड फूड स्क्रब को आप कुछ ही मिनटों में प्रिपेयर कर सकते हो। आप अपने हैंड्स, अपने फूड, अपने लेग्स पर ट्राई कर सकते हो। इसको मेंस और वुमेंस दोनों ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही टाइम सेविंग स्क्रब है, कुछ ही मिनटों में आपकी जो फीट्स हैं, लेग्स हैं, उनको काफ़ी स्मूथ बना देगा। जिनकी फटी हुई एड़ियाँ हैं उनको रिपेयर कर देगा। फ्रेंड्स, 3 to 4 डेज में आपको विजिबल डिफरेंस इसका फील हो जाएगा। बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, मार्केट जैसा ही फूड स्क्रब आपको फील होने वाला है। और साथ में फ्रेंड्स, जो बाहर रहते हैं, जिनको स्किन पर टैनिंग आ जाता है, तो उसकी टैनिंग को भी रिमूव कर देगा, साथ में आपकी स्किन को वाइटन और ब्राइटन भी करेगा। सो आप इसको ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अपने लेग्स पर ट्राई किया है, कुछ ही मिनटों में आपको इसका रिजल्ट जो है सामने आ जाएगा। तो काफ़ी स्मूथ लेग्स आप पा सकते हो कुछ ही मिनटों में। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओजस फिटनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं होममेड फूड स्क्रब के बारे में डिस्कस कर लेने वाली हूं, जिसको मैंने घर पर प्रिपेयर किया है। फ्रेंड्स, कुछ ही मिनटों में ये होममेड फूड स्क्रब तैयार हो जाता है, जिसको मेंस और वुमेंस दोनों यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए आपको कोई महंगे इंग्रेडिएंट की आवश्यकता नहीं होगी। जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट मैंने यूज किए हैं और आपके घर पर इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। सो नो नीड गो टू मार्केट टू मेक दिस होममेड फूड स्क्रब, क्योंकि आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। बार बार आपको बनाने की भी इसको जरूरत नहीं है। 1 to 2 मंथ आप आराम से इसको अपने वॉशरूम में स्टोर करके रख सकते हो। नहाने से पहले आप इसको यूज कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप देखिएगा इसका रिजल्ट कि आपके कुछ ही दिनों में फटी हुई एड़ियां ठीक हो जाएंगी। आपके लेग्स पर, आपके हैंड्स पर, आपके फीट्स पर आप इसको आराम से ट्राई कर सकते हो, तो जो हार्ड स्किन है वो स्मूथ हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ मैं वीडियो लेकर आई हूं। मैं इसको यूज करती हूं, तभी मैं आप तक अपनी वीडियो के थ्रू अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूं। होममेड फूड स्क्रब को बनाने के लिए आपने 100 ग्राम कच्चे दूध में 50-50 ग्राम राइस और करी पत्ता लीव्स को डिप कर लेना है। इसके बाद इनका एक्सट्रैक्ट आपने निकाल लेना है। इस एक्सट्रैक्ट को फ्रेंड्स आपने फेंकना नहीं है, इसको फ्रिज में आप रख देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इससे आप अपनी हेयर, अपनी स्किन के लिए होममेड क्रीम कैसे तैयार कर सकते हो, जिससे आपके हेयर और स्किन की मोस्टली प्रॉब्लम्स का सलूशन हो जाएगा। अब ये फूड के लिए जो बेस तैयार हो गया है फ्रेंड्स, इसको फिल्टर करने के बाद इस बेस को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद फ्रेंड्स, आपके घर में जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं, उस शैम्पू को फ्रेंड्स आप इसमें ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इतनी क्वांटिटी में ऐड करना है जिससे कि एक स्क्रबी फॉर्म में आ जाए, जैसे कि एक मार्केट जैसा फूड स्क्रब होता है, ठीक वैसे ही। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको मिक्स कर लिया है वेल तरीके से, और इसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर दिया एक बॉल के अंदर। एक कंटेनर के अंदर आप इसको ट्रांसफ़र करके अपने वॉशरूम में रख सकते हैं, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ओजस फिटनेस को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर कीजिएगा, जिनको स्किन केयर का नीड है, जिनकी फीट्स अगर हार्ड स्किन का रहता है या इस तरह का इश्यू है, तो उनको हेल्प मिल जाने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए।